एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करते हैं, युवा हैं जिन्होंने बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के गानों को इस तरीके से फैलाया है और आम जनता के अंदर इस तरीके की भावना गठित की है कि बाबा साहब ने समाज के लिए क्या किया और भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उन सभी चीजों को एक माला में परोने का जो काम किया वो है हमारे बीच सिंगर युवा शशि भूषण जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। शशि भूषण जी, आप ये सिंगर का काम करते हैं तो आप ये सिंगिंग जो करते हैं, आप गाने जो गाते हैं, ये आप किस किस प्रकार के गाने गाते हैं? देखिए, एक तो मैं आप लोगों का धन्यवाद बोलता हूँ, एसएम न्यूज़ का धन्यवाद देता हूँ कि आप हम जैसे कलाकारों को प्रमोट करते हैं, हमारा बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को दूर तक फैलाते हैं। इसमें जितना हम योगदान देते हैं उतना ही आप भी योगदान देते हैं, दूर दूर तक पहुँचाते हैं। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि किस तरीके से कैसे, तो मैं आपको बताऊँ कि इस काम में मैं अकेला नहीं, मेरी तीन पीढ़ियाँ और चली गई। तीन पीढ़ियाँ पहले जा चुकी हैं। मेरे दादाजी की पैदाइश 1929 की थी, यानी कि देश आज़ादी नहीं हुआ था तब की थी। तो फिर हमारा पहले परिवार कबीरपंथी हुआ करता था, तो कबीरपंथी परिवार जो था उसमें हम कबीरपंथ के भजन गा के कबीर साहब के और लोगों को जागरूक करते थे, मतलब पाखंडवाद से निकालते थे। तब तक बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट नहीं किया था, क्योंकि 1929 की उनकी पैदाइश थी और 47 में देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में जब बाबा साहब के विचारों का और बाबा साहब एक्टिव हुए तो 50 के आसपास में मेरे दादाजी भी दिल्ली यहाँ आए और उन्होंने देखा कि बाबा साहब का काम जोरों पर चल रहा है। और जब 56 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया तो हमारे दादाजी ने भी कह दिया भाई अब हम कबीरपंथी नहीं रहेंगे, हम बौद्ध हैं, क्योंकि बाबा साहब ने दीक्षा ले ली है। उसके बाद में हमारे दादाजी और हमारे जो खानदानी एक काम था भजन कबीर साहब के गाना और पाखंडवाद से निकाला लोगों को, अब वो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुका था। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आप जो भजन गाते हैं, जो गाने गाते हैं, आप किस प्रकार के गाने गाते हैं? जो बाबा साहब के गाने हैं और जो उनकी बाबा साहब की सच्ची आइडियोलॉजी थी जी, प्रबुद्ध भारत का सपना जो बाबा साहब का था, हिंदू धर्म से बिल्कुल अपोजिट, यानी कि एक भी शब्द, यानी कि यहाँ तक भी अगर मैं अपने गानों में अगर हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो बाबा साहब और बुद्ध की आइडियोलॉजी पर खरा नहीं उतरता है। मैं अपने गानों में भी अगर शब्द इस्तेमाल करूंगा तो भारत में करूंगा, क्योंकि भारत बाबा साहब का सपना प्रबुद्ध भारत था, तो भारत ही लाऊंगा। अगर मैं गलती से, पहली बात तो आएगा नहीं मेरे गाने में, शब्दों में, कविता में या किसी उसमें गाने में हिंदुस्तान शब्द आएगा नहीं। अगर वो आता है तो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी उसके खिलाफ रहता है, तो इन सबसे मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। एक एक शब्द चुन चुन के भाई कहीं बाबा साहब की आइडियोलॉजी खिलाफ कोई भी शब्द गाने में ना हो, क्योंकि हम सामने लोगों को देख रहे हैं और हम जो सामने वाले को दे रहे हैं वही एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए हम एक एक शब्द को बुद्ध की आइडियोलॉजी पर, फूले साहब, बाबा साहब, इन सब की आइडियोलॉजी जितनी हमारे पुरुष उनके ऊपर होता है, तो एक एक गाने को मैंने क्लासिकल म्यूजिक में यहाँ से गंधर्व महाविद्यालय से और प्रयाग से एमए किया म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में, और मैं अच्छी तरीके से जा सकता था बॉम्बे बॉलीवुड में आजमा सकता था, लेकिन मुझे लगता था कि समाज में अभी बॉलीवुड को मेरी ज़रूरत नहीं बल्कि मेरी समाज को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं वहाँ ज़्यादा कुछ दे सकता हूँ। तो खानदान की और जो मैंने अभी आपको बताया कि एक हमारा काम था, तो मैंने बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए और अपने इस समाज में इस आइडियोलॉजी को, इस कला को, फन को देने के लिए मैंने अपने समाज को चुना, बॉलीवुड को मैंने नहीं चुना। मेरे दोस्त कुछ लोग बॉम्बे जा चुके थे जो मेरे साथ सीखते थे, उन्होंने कहा शशि ने यहाँ बहुत अच्छा हो सकता है, हम लोग यहाँ जम गए हैं, तुम भी यहाँ आ जाओ, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, बाकी हम साथ कर देंगे। तो मैंने कहा नहीं, मेरी समाज को यहाँ ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ काम करूँगा। और आज बाबा साहब और आप लोगों की दुआ से मैं किसी बॉलीवुड स्टार से या किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं हूँ, क्योंकि उनकी नज़र में मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ और मेरा समाज मेरी नज़र में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। मैं भी उसको सलाम करता हूँ, क्योंकि वो मुझे देखते हैं, उन्हीं की वजह से मैं आगे बढ़ता हूँ। शशि भूषण जी, जो आपकी प्रेरणा मिली है, अभी आपने बताया था मेरा तीन पीढ़ियाँ चली गई, जो एक आपका जो एक मैन जो कहते हैं कि आपने इस बाबा साहब के या गौतम बुद्ध भगवान के गानों को आगे बढ़ाने का काम कर, जो मेन प्रेरणा मिली आपको वो कहाँ से मिली? मेरे पिताजी एक रफी साहब का गाना गाते थे, कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे, तो वो इस गाने को बाबा साहब के लिए गाते थे, बाबा साहब का दामन अगर उन्होंने पकड़ लिया तो कभी छोड़ेंगे नहीं, और फिर वहीं से ये गाना, और बच्चा छोटा था तो सुना इसको, तो मतलब आपको प्रेरणा मिली आपके पापा से मिली जी। तो अभी तक आपने कितने एल्बम बना दिया, आपने कितने गाने गाए बाबा साहब और भगवान गौतम के ऊपर?
40 गाने से ऊपर, 50 के गाने के आसपास मेरे गाने हैं, और पहली एल्बम हमारी आप लोगों के प्यार स्नेह से संसद भवन में हमने लॉन्च की। संसद भवन में 6 दिसंबर को प्रांगण में संसद भवन के में हमने उसको लॉन्च किया। उस सीडी का नाम था धरती बुद्धा की, और उसमें एक टाइटल गाना था ये धरती बुद्धा की, जिसको राष्ट्रकवि राम नारका जी ने लिखा था। इसके तरह ये धरती बुद्धा की यारो, इसे बुद्ध में बनाना है, ये सपना भीम बाबा का हमें पूरा कर जाना है। तो बाबा साहब का जो सपना था, तो एक ये उसका टाइटल सॉन्ग था, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे गीत थे। एक गीत उसमें था, बुद्ध संघ प्रेमी जी थे और बहुत अच्छे राइटर थे, एक गीत उनका था और काफ़ी अच्छे अच्छे गीत थे। फिर दूसरी एल्बम एक हमने संत असेंद्र के लिए समर्पित की, उसमें भी राहुल नागपाल जी और हमारे एक TCS साहब हैं सुनील कुमार गौतम, जो आजकल पांडिचेरी के DG हैं जी, उनका एक गाना था, और 3 गाने उसमें राहुल नागपाल जी के थे। सबको शिक्षा सबको दीक्षा मिले सभी को जल, सबके हित की बात करेगा संता से निकल जी। और फिर एक एल्बम हमने धम भूमि पलवल जो भनते करुणाशील राहुल हैं उनके लिए निकाली, और बड़ी अच्छी, उसमें भी राहुल नागपाल जी ने बहुत अच्छे गीत लिखे। उसमें एक गीत मेरे पिताजी का भी था। और फिर एक एल्बम हमने मिशन 2017 बहन जी के चुनाव के लिए हमने निकाली, और उस एल्बम में भी बहुत अच्छे गीत थे, राहुल नागपाल जी ने उसमें गीत लिखे। अब वर्तमान के अंदर आपके जो एल्बम है वो कौन सा गाना आ रहा है? अभी 2 हफ्ते पहले अभी 2 गाने रिलीज हुए, वो भीम आर्मी के लिए है। भीम आर्मी के लिए, उस भीम आदमी ने का जो आपने गाना तैयार करा है उसके आप सारी कड़ियां, आपको पब्लिक देख रही है, आपसे पब्लिक को उम्मीद है, वो सारी कड़ियां आपने सुनाई। भीम आदमी का गाना था, और ये पहला गाना, उसमें हमने 2 गाने भी लॉन्च किए, एक गाना राहुल नागपाल जी ने लिखा है, और दूसरा गाना हमारे बहुत बड़े डॉक्टर कुसुम योगी जी हैं, उन्होंने लिखा है। तो जो कुसुम योगी जी ने गाना लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, मैं 2 लाइनें उनकी बता रहा हूँ, और बाकी 2 लाइनें राहुल नागपाल जी ने लिखा, उसकी गा के सुनाऊंगा। हम वो डला नहीं जो घुल जाए पानी में, हम वो डला नहीं जो घुल जाए पानी में, कौम की खातिर मिट जाएंगे भरी जवानी में। जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी, जय भीम आर्मी, संविधान के पालन करता हक के लिए लड़ेंगे, यदि तुम अत्याचार करोगे सीना ठोक अड़ेंगे। संविधान के पालन करता हक के लिए लड़ेंगे, यदि तुम अत्याचार करोगे सीना ठोक अड़ेंगे। तो ये एक गाना था उसका, ये मैंने आपको भी सुनाया, बहुत अच्छा गाना है, यूट्यूब पे आपको मिलेगा। और दूसरा गाना था भीम आर्मी के शेरों की करो बड़ाई, भीम आर्मी के शेरों की करो बड़ाई, मतलब भीम आर्मी ने जो काम किया उसने एक बहुत धमाकेदार काम किया, जरूरत थी समाज को, और बढ़ाई वाला काम किया, मतलब बढ़ाई मतलब समाज को इकट्ठा करने काम किया। भीम आर्मी के शेरों की करो बढ़ाई, जिसने भारत में समता की लड़ी लड़ाई, भीम आर्मी के शेरों की करो बढ़ाई। तो ये गाना राहुल नागपाल जी लिखा था, और इस पूरे गाने को सुनने के लिए और देखेंगे आप YouTube पे सुनेंगे, बहुत अच्छा गाना है। तो जब हम ये पढ़ते थे उनसे सुनते थे, पिताजी के एक दोस्त और थे संतराम बी ए साहब, जिनकी मेरा समाज और बाबा साहब के मित्र थे संतराम बी ए, और फिर बाद में हमारे पिताजी का भी उनसे मिलना जुलना होता था, तो उनकी किताबें बहुत सारी थी जो संतराम बी ए ने पिताजी को दी थी, मेरा समाज इस तरह की, तो उनको पढ़ा था, तो उससे लगता था कि समाज को हमें पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए, तो लगा कि नहीं बॉलीवुड में नहीं, हम अपने बहुजनवुड में ठीक है। शशि भूषण जी जैसे आज के सिंगर हैं जो गाना गाते हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में आप अपने को कहाँ मानते हैं? देखिए बॉलीवुड में मैं ये नहीं कहता कि क्या है, लेकिन मैं पॉजिटिव सोचता हूँ कि अगर मैं बॉलीवुड में गया होता तो मैं भी बहुत अच्छा सिंगर होता जी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ बहुत अच्छा सिंगर नहीं हूँ। बॉलीवुड में मैं अगर गया होता तो वहाँ अपने समाज के लिए काम नहीं कर सकता था, अपने समाज के लिए मैं डेड था, लेकिन आज जिस समाज में मैं काम कर रहा हूँ, अपने 85% बहुजन समाज में, वो बहुजन समाज मुझे अगर 5-स्टार होटल नहीं देता तो 3-स्टार होटल नहीं देता। और लास्ट मेरे एक क्वेश्चन ये है कि जो आजकल नए युवा दलित समाज से जो कवि बनकर आ रहे हैं
उनके लिए क्या अपील है? उनके लिए यही अपील है, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि मेरे गायक भाइयों, मेरे कवि भाइयों, अपनी कलम से ऐसा लिखना कि 85% एक रहे। कभी भी अपने गाने में, कभी भी अपनी कविता में एक जाति का नाम मत लेना। अभी मैं कुछ सिंगरों को देख रहा हूँ, वो कुछ लोग चमार को लेकर गाना गा रहे हैं, और अब अभी कुछ दिन पहले एक गाना और सुना था, पूत चमारा के, और गुजरों में भी गुजर का छोरा, जाट का छोरा, ये सारे गाने हैं, बहुजन हैं, और हम भी चमार चमार करेंगे तो मेरे गाने को, अगर मैं चमार का गाना गाऊंगा कि हम चमार हैं, हम गर्व करते हैं, तो मेरे गाने को वाल्मीकि क्यों सुनेगा जी, मेरे गाने को धानक क्यों सुनेगा जी, मेरे गाने को खटीक क्यों सुनेगा, मेरे गाने को पासी पासवान तेल जुलाही क्यों सुनेंगे। इसलिए मेरे कहीं गाने, मैंने पहले भी आपको बताया था, हिंदुस्तान शब्द एक जाति को टारगेट करना इस तरह का नहीं। मेरे गीत है कि बहुजन समाज से हटके भी अदर समाज सुने के कुछ लिखा है। गीत था संविधान भारत का है, शान भारत की। कभी कभी देशभक्ति का जब चलता है तो मैंने, मुझे फोन आते हैं, क्योंकि यूट्यूब से वो डाउनलोड कर लेते हैं उस गीत को, तो फिर वहाँ उस पर नंबर आता है, तो वहाँ मुझे फोन करते हैं कि जी हमारे यहाँ 26 जनवरी पर हमने गीत बजाया था, संविधान भारत का है शान भारत की, इसको मान लो सब। दो लाइन में आपको गुनगुनाता हूँ। संविधान भारत का है शान भारत की, इसे मान लो खुश रहेंगे सभी। तो इस तरह गाने हैं, तो यही प्रेरणा दूंगा मैं उनको, यही कहूंगा कि भाई आप बहुजन समाज के लिए काम करें, किसी एक जाति के लिए। बाबा साहब अगर एक जाति के लिए काम करते तो बाबा साहब महारा को आज कहां से कहां पहुंचा देते, लेकिन उन्होंने सभी के लिए काम किया। तो हम भी ऐसे गाने गाए जिससे सभी समाज में, चाहे वो जाट वर्ग के लोग हों, चाहे धानक तेली जुलाहे वाल्मीकि, सब किसी समाज के लोग हों वो सुने। अब कल एक प्रोग्राम है, उसमें अधिकतर सभी वाल्मीकि लोग इकट्ठा होंगे, और मैं वहाँ इन्वाइट हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा, गीत गाएंगे, अच्छे रहेंगे। और मेरे गाने के चमार शब्द होते तो मुझे क्यों बुलाते, कहते नहीं आप चमार गाने गाते, अच्छा मार। ये थे हमारे बीच के अंदर एक युवा गायककार शशि भूषण जी, और जब हम इनसे मालूम किया कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, शशि भूषण जी ने बताया कि हमारी तीसरी पीढ़ी का मैं एक मेंबर हूँ, और जो दो पीढ़ियाँ हैं वो बाबा साहब के अनुयायी थे, भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, और आज जो हम गा रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि अगर मैं किसी जाति को लेकर या किसी धर्म को लेकर गाने गाऊंगा तो मुझे कोई लाइक नहीं करेगा। ये अधिक अच्छी बात है, क्योंकि अभी बीच के अंदर एक हरियाणा से एक लेडीज है, वो जिसे सपना कहा जाता है, मैं उसका ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, तो उनका भी खंडन किया है शशि भूषण जी ने। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे युवा कवि और ऐसे युवा गायकार आगे आए और समाज की बातों को आगे रखें। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल। We'll be right back.